नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको टैली प्राइम के तीन बेहतरीन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला है कि आप चेकबुक किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। आपने कंपनी की चेकबुक ज़रूर देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि ऊपर कंपनी का नाम मशीन से प्रिंट होता है, उसका अमाउंट भी मशीन से प्रिंट होता है। तो ये चीज़ आप किस तरह से टैली प्राइम के अंदर कर सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको इसके अंदर सिर्फ साइन करने होते हैं और आपका ये पूरा का पूरा चेक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, वो यही होगा कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपनी टैली प्राइम के अंदर। अगर आपसे चेक खराब हो जाए तो उस चेक को आप अपनी चेकबुक से किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, तो वो टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए कि किसी पार्टी को आपको अमाउंट पे करना है और अभी अमाउंट आपका क्लियर नहीं है और आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो आप अपने असिस्टेंट को एक ब्लैंक चेक इशू करके दे सकते हैं, जिसमें वो अमाउंट फिल करके चेक को क्लियर कर सके। तो ये तीनों की तीनों टॉपिक्स मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विनोद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं एक्सेल इन्फोटेक के नाम से। इसके बाद आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अगर आपको एड्रेस फिल करना है तो एड्रेस फिल कर दीजिए। यहाँ पर अपना स्टेट ले लीजिए और बाकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल लेकर के सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा, इसको भी आप कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आपको जाना होगा क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा लेजर्स, और लेजर के अंदर जाकर के आपको एक लेजर क्रिएट करना है बैंक अकाउंट का। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक SBI बैंक, और उसके बाद इसको अंडर ऑफ डाल देते हैं बैंक अकाउंट के। यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट होल्डर नेम बाय डिफॉल्ट अपने आप कंपनी का नेम उसने ले लिया। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हम इसको यही रहने देंगे। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए, तो रैंडमली हम यहाँ पर कोई भी नंबर फिल कर दे रहे हैं। इसके बाद आप अपना IFSC कोड डाल दीजिए, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर जैसे SBIN, और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर अगर आपके पास आपका स्विफ्ट कोड है तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मैं आपको स्विफ्ट कोड के बारे में बता देता हूँ। विदेश से अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। ये स्विफ्ट कोड आपका 8 डिजिट का या 11 डिजिट का होता है। शुरू के जो चार नंबर होते हैं वो आपके बैंक के नेम को डिफाइन करते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ SBI बैंक, और उसके बाद जो बाकी के दो नंबर होते हैं यानी दो डिजिट्स होते हैं वो कंट्री को डिफाइन करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर IN यानी इंडिया। उसके बाद जो दो नंबर्स होते हैं ये बेसिकली लोकेशन कोड को डिफाइन कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर फिल कर दे रहा हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे बैंक नेम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। अब ये बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि अगर हम इस टैली का अगर लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर बैंक नेम IFSC कोड डालते ही वो ले लेता। अब हम इसका एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसको नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हम इसका ब्रांच नेम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया संत नगर, और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स, यानी इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम नंबर, यानी किसने नंबर से आपका चेक बुक स्टार्ट हुआ है वो नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ लाइक 150501, यहाँ पर आप अपने चेकबुक का स्टार्टिंग नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उसका एंड नंबर डालिए, तो यहाँ पर मैं एंड नंबर डाल दे रहा हूँ लाइक 150600, यानी ये जो हमारा चेकबुक है वो 100 पेजेस का है। तो हम इसको एंटर प्रेस करके सेव कराएंगे। अब यहाँ पर आप अपने चेकबुक का नाम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ लाइक SBICHQ01, यानी ये मेरी पहली चेकबुक है तो मैं इसकी एंट्री कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास और भी चेकबुक्स हैं तो यहाँ पर और भी एंट्री आप कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल एक ही एंट्री करूँगा और उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अनेबल हो गया, यानी चेक प्रिंटिंग का जो ऑप्शन था इसको आप यस रहने दीजिए। इसका फायदा हमें अभी आगे मिलेगा, इसको नीचे आ जाइए। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया आपका सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी आपको यस कराना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कोई भी डिटेल फिलअप नहीं है, यानी अगर आपका जो चेकबुक होता है उसका साइज क्या होता है, किस जगह पर उसका अमाउंट आए, किस जगह पर उसका नाम आए, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर आपका ये जो वर्ज़न है, अगर आपका लाइसेंस वर्जन होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक बैंक नेम देते ही फिल हो जाता। अब हमारे पास तो ये डिटेल्स हैं ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कॉपी फ्रॉम का,
हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिंपल फॉर्मेट का, तो हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट लेते ही आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जितनी भी डिटेल्स थी वो बाय डिफॉल्ट सिंपल फॉर्मेट के अंदर फिल हो चुकी हैं, तो हम इसको यही रहने देंगे। अब इसको हम एंटर करके सेव करा देंगे। सेव करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम फिलहाल एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो चेकबुक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर आपका अकाउंट पेबल लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपकी कंपनी का नाम आएगा, जो भी आप कंपनी का नाम यहाँ पर देंगे, जिस भी सिंडिकेटर को आप ये पेमेंट करेंगे उसका नाम यहाँ पर शो होगा। जितना भी अमाउंट टाइप करेंगे वो देखिए वर्ड्स के अंदर यहाँ बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर नंबर्स के अंदर अपने आप शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी कंपनी का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना होगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके चेक के ऊपर बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपने बैंक का एड्रेस फिल कर दीजिए। तो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पर अपना एड्रेस। और उसके बाद एंटर करके नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस का, तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट फिल कर दीजिए। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ लाइक 1 लाख रुपीज, यानी आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए मान लीजिए पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम पेमेंट करेंगे तो नेगेटिव कैश ना दिखाए, इस वजह से हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के अंदर अमाउंट ले रहे हैं। सेव करने के बाद अब आपको स्कैप करके पीछे आना है। पीछे आने के बाद अब हम सीधे जाएंगे वाउचर्स के अंदर और एक पेमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने पेमेंट वाउचर ओपन है। अगर आपके सामने पेमेंट वाउचर ओपन ना हो तो यहाँ पर आप F5 प्रेस करिए, आपके सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस दबाइए। स्पेस दबाने के बाद यहाँ से ले लेंगे हम SBI बैंक, जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। और अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका 1 लाख रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में शो हो रहा है। अब इसमें से हम अमाउंट को पे करेंगे, तो यहाँ पर Alt C करिए और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं किसी पार्टी का। तो मैं यहाँ पार्टी का नाम दे देता हूँ लाइक आदित्य कॉरपोरेशन, जो कि मेरा अंडर ऑफ जाएगा सिंडी क्रेडिटर, क्योंकि ये मेरी पार्टी है जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मान लीजिए 10,000 और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर ऑन अकाउंट ले लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप नीचे आ जाइए, आप देखेंगे इसका मैजिक। तो यहाँ पर देखिए आपका चेकबुक का जो नंबर था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया, यानी पहला वाला चेकबुक हमारा यूज हो गया है 150501 का। और यहाँ पर आप जिस डेट को इसको इशू करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। हम इसको यही रहने देंगे। एंटर प्रेस करके हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं एक बार इसका आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि आपका चेकबुक किस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने चेकबुक प्रिंट को अनेबल किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था लेजर क्रिएट करते समय। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका चेकबुक प्रिंट करने से पहले आपको दिखाएगा। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्रीव्यू पे जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर Alt Z करके इसको जूम कर लीजिए। यहाँ देखिए हमारी जो पार्टी थी वो आदित्य कॉरपोरेशन थी। हमने अमाउंट जो दिया था वो 10,000 का दिया था। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर्स के अंदर भी आपका अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ पर आपका कंपनी का नाम शो हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने हैं। आपका चेकबुक जैसे ही आप मशीन के अंदर डाल के प्रिंट करेंगे तो ये उसको प्रिंट करके रिप्रेजेंट कर देगा। तो है ना मैजिकल फीचर। तो चलिए स्कैप करके एक बार पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद अगर आपको उसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट पर क्लिक करिए, आपका प्रिंट निकल जाएगा। हम इसको फिलहाल प्रिंट नहीं ले रहे हैं। अब स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद एक पार्टी और ले लेता हूं, ताकि मैं ये भी दिखाऊं आपको कि जो हमारा पहला वाला चेकबुक यूज हो चुका है उसके बाद जो हमारा दूसरा चेकबुक है वो सीरियल वाइज कैसे यूज होगा। तो चलिए हम यहाँ पर वापस अपने बैंक का नेम लेते हैं और यहाँ पर Alt C प्रेस करते हैं। एक दूसरी पार्टी क्रिएट कर लेते हैं कमल इंडस्ट्रीज के नाम से और इसको अंडर ऑफ डाल देते हैं हम लोग सिंडी क्रेडिटर। सिंडी क्रेडिटर डालने के बाद यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए लाइक मैं दे रहा हूँ यहाँ 15,000 और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। और एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप देखेंगे इसका मैजिक फिर से। यहाँ देखिए आपका जो दूसरा चेकबुक था यहाँ पर यूज हो गया, यानी 150502 का जो दूसरा चेक था आपका यहाँ पर यूज हो चुका है। किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है कमल इंडस्ट्रीज के लिए। तो हम इसको एंटर प्रेस करके इसको भी सेव करा देते हैं। सेव करने के बाद अगर इसका प्रीव्यू देखना है तो वापस प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो पार्टी थी वो थी कमल इंडस्ट्रीज, अमाउंट था 15,000 का, यहाँ पर नंबर में शो हो रहा है, आपकी कंपनी का नाम शो हो रहा है और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो स्कैप करके पीछे आ जाइए। तो ये जो टॉपिक था हमारा ये था चेकबुक प्रिंटिंग का। तो आपने सीखा कि आप चेकबुक प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी को कैंसिल चेक देना चाहते हैं या गलती से आपसे कोई चेक कैंसिल हो गया है या गलत लिख दिया आपने, तो वो
आप अपनी चेकबुक में से किस तरीके से उस चेक को कैंसिल करेंगे। तो चलिए हम ये भी करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+G। Alt G प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे चेक रजिस्टर के अंदर। यहाँ पर जैसे ही CHE डालेंगे आप, तो आपका चेक रजिस्टर यहाँ पर शो हो जाएगा। इस चेक रजिस्टर पे आपको एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे आपके जो टोटल चेक बुक्स है वो 98 बचे हैं, यानी दो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसके ऊपर जाकर के आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो पार्टी थी जो कि आदित्य कॉर्पोरेशन, इसको आपने पेमेंट की है। पहला चेक आपने इसको दिया है 1 अप्रैल को। दूसरी पार्टी आपकी कमल है, इसको भी आपने 1 अप्रैल को पेमेंट की है। और कितने अमाउंट की पेमेंट करी है आप देखिएगा, पहले पार्टी को हमने 10,000 की पेमेंट की थी और दूसरी पार्टी को हमने 15,000 की पेमेंट की है। टोटल पेमेंट हमारी यहाँ पर शो हो गई। अब नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा तीसरा चेक है 150503 सीरीज का, अब इसको मैं चाहता हूँ ये चेक हमारा कैंसिल हो जाए। ये मुझसे गलती से मान लीजिए अमाउंट टाइप हो गया, या तो मैंने पार्टी का नाम गलत लिख दिया या फिर मैंने गलत अमाउंट लिख दिया, तो उसकी वजह से हमारा ये जो चेक था वो कैंसिल हो गया, यानी एक तरीके से रिजेक्ट हो गया है। तो अब इस चेक को हम किस तरीके से कैंसिल करेंगे, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा स्पेस। स्पेस प्रेस करते ही आप देखेंगे ये जो आपका चेक था वो हाईलाइट हो गया ब्लू कलर में। अब आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+S। Alt+S प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस आ गए। सबसे पहला ब्लैंक चेक का है और दूसरा आपका कैंसिल चेक का है। तो पहले मैं यूज करूंगा कैंसिल चेक। तो कैंसिल चेक किस तरीके से यूज होगा, इसके ऊपर आपको जाकर के सिलेक्ट कर लेना है, इसको एंटर प्रेस कर देना है। किस डेट में आपने ये चेक कैंसिल किया है वो डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 1/5/21। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप अपना रिमार्क्स डाल दीजिए, यानी किस रीजन की वजह से आपका ये जो चेक है वो कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रॉन्ग अमाउंट की वजह से, जो भी रीजन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे आपका जो चेक था 15053 नंबर का वो यहाँ से गायब हो चुका है। यानी 1 को हमने यूज किया था आदित्य के लिए, 2 को हमने यूज किया कमल के लिए, तीसरे नंबर का जो चेक था वो यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर चौथा चेक है, मैं इसको भी आपको एक बार कैंसिल करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाने के बाद अपने कीबोर्ड से Alt+S दोबारा से प्रेस करना है। यहाँ से कैंसिल चेक लेना है और यहाँ पर आप अपनी डेट दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ 1/6/21। और इसके बाद रिमार्क्स डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका रिमार्क्स। मान लीजिए हमसे पर्सन का नेम गलत हो गया है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ रॉन्ग नेम और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो चेक था 150504 का वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। तो यहाँ से आप जितने भी चेक्स अगर आपके कोई भी गलत हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो उसको आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, उसको यहाँ से गायब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी पार्टी को ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, स्कैप करके पहले पीछे आना होगा। पीछे आने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा अल्टर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना होगा वाउचर टाइप पे। वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको पेमेंट वाउचर वापस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यस कराना होगा, तभी आप जीरो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना ही पड़ेगा। बिना इसके यस कराए आप किसी भी पार्टी को जीरो पेमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए स्कैप करके पीछे आ जाते हैं। यहाँ से मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ इसी चीज को अनेबल करने का। तो आप चले जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यहाँ से आपको जाना होगा अपने वाउचर टाइप्स के अंदर और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा अपना पेमेंट वाउचर और इसके अंदर जाकर के आप यहाँ से भी अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है, हम इसे सेव करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब मैं आपको ट्रांजैक्शंस करके दिखाता हूँ। आप चले जाइए वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से Alt+G। Alt+G प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाइए वापस चेक रजिस्टर के अंदर। चेक रजिस्टर के अंदर चले जाइए और अब आपको बताना होगा कि कौन सा चेक आप ब्लैंक इशू कर रहे हैं। तो मैं जो चेक ब्लैंक इशू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 150505 का, यानी ये वाला जो चेक है मैं इसको ब्लैंक इशू करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा स्पेस। स्पेस प्रेस करने के बाद आपको Alt+S यूज करना है और Alt+S यूज करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ब्लैंक चेक का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके ऊपर आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम सिलेक्ट करना होगा, किस पार्टी को आप ब्लैंक चेक इशू कर रहे हैं। तो स्पेस दबाइए। स्पेस दबाने के बाद मान लीजिए मैं आदित्य को ही ब्लैंक चेक इशू कर रहा हूँ। इसको लेकर के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे इसके आगे यहाँ पर कोई भी अमाउंट शो नहीं हुआ, यानी
इसको ब्लैंक चेक इशू किया गया है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो ब्लैंक चेक यूज हुआ है वो यूज हुआ है 150505 का। यहाँ पर अपना डेट डाल दीजिए, तो मैं डेट दे देता हूँ लाइक 2/7/21 और एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे आपका प्रीव्यू, तो प्रीव्यू में जाकर के एक बार एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर आप देखिए आपका जो आदित्य कॉर्पोरेशन था उस पार्टी का नाम आ गया, अमाउंट आपके सामने शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद आप ये चेक इशू कर सकते हैं पार्टी को, और यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो फिलअप करके आपकी असिस्टेंट पेमेंट कर लेगी। वो आपने सीखा कि ब्लैंक चेक किस तरह से इशू किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।